YouTube कैसे हैं? मैं हूँ मैनी वी और आप लोग देख रहे हैं Inspire Your Mind. आज हम बनाएंगे ग्रीन अनियन पैनकेक पिज्जा. तो क्या क्या चाहिए? पहले से ये अनियन पैनकेक चाहिए एक, और थोड़ा सा मशरूम, प्याज, टमाटर, स्प्रिंग अनियन और थोड़ी सी चीज. तो पहले क्या करेंगे, हम इस पैन को थोड़ा सा गर्म करेंगे, थोड़ा तेल डाल के. एक चम्मच चलेगा, ऐसा कुछ डालना है. और ऊपर से हम इसको गरम करेंगे पहले से. तो जैसे गरम हो जाए हम थोड़ा सा प्याज डालेंगे, ऐसा. तो उसको थोड़ा सा कड़क करेंगे जब तक नासी रंग आ जाए. तो ऐसे थोड़ा सा घुमाएंगे. जैसे आप देख रहे हैं कि प्याज गरम हो गया और नासी रंग भी दिखा रहे हैं. तो ऊपर से हम डालेंगे ये मशरूम्स. तो मशरूम को ऐसे घुमाएंगे जब तक कड़क हो जाए और उसका रंग भी नासी दिख जाए. अभी तो मशरूम बन गया है और कड़क हो गया है. तो ऊपर से हम डालेंगे कुछ टमाटर, ऐसे कुछ डालेंगे और कुछ मिनटों के लिए हम घुमाएंगे इस तरह से. और टमाटर को इतना कुछ ना पकाना है, खाली थोड़ा सा गर्म करना है. तो ऐसे ही रखेंगे एक मिनट के लिए. जैसे आप लोग देख रहे हैं सब कुछ बन गए हैं. तो हम ऐसे बंद करेंगे पैन को और डालेंगे इस प्लेट में. तो ये सब्जियां जो है सब बन गया. हम बनाएंगे अभी वो बेस. तो ऊपर से हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, आधा चम्मच ऐसा कुछ. और ऊपर से बेस डालेंगे. तो थोड़ा सा गर्म करेंगे इसको दो तीन मिनट. पहले आप हम इसको घुमाएंगे इस तरह से और रखे जाएंगे दो तीन मिनट के लिए. जैसे आप देख रहे हैं कि ये पैनकेक कड़क हो गया, दोनों तरफ से कड़क हो गया. तो अब बारी है थोड़ा सा रेड सॉस डालने के लिए. आधा चम्मच ऐसा कुछ घुमाएंगे, लेकिन क्रस्ट को नहीं डालेंगे कुछ भी. जैसे पिज्ज़ा में क्रस्ट नहीं, सॉस नहीं होते हैं ना, वैसे पैनकेक भी नहीं होने चाहिए थोड़ा सा. तो बस सब्जियाँ डालेंगे ऊपर से, ये जो बना गए है ऐसे कुछ ऊपर डालेंगे. और थोड़ा सा फिराएंगे इस तरह से. और ऊपर से हम डालेंगे ये स्प्रिंग अनियंस ऐसा कुछ, और थोड़ी सी चीज ऊपर से. और इसका रखेंगे कम से कम एक मिनट. एक्शन. पिज्जा तो बन गया. तो हम इसको डालेंगे प्लेट के ऊपर टुकड़े. तो ऐसे कटेंगे इस तरह से. और एक और बार. तो पिज्जा तो बन गया. तो शुक्रिया देखने के लिए ग्रीन अनियन पैनकेक. तब तक के लिए शुक्रिया और अलविदा.